दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रेफरेंस के बाद में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को छात्रों ने। सबसे ज्यादा सीयूटी की प्रवेश परीक्षा में जो छात्र बैठे हैं उनकी वरीयता थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद में बनारस विश्वविद्यालय। तो बनारस विश्वविद्यालय के अभी एक ऑफिशियल से मेरी सुबह बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि वो सीयूटी की प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और अब जब रिजल्ट आ गए हैं तो एक दो दिन में उनके यहाँ भी काउंसलिंग शुरू होगी। तो काउंसलिंग शुरू होने का क्या मतलब है कि विश्वविद्यालय एक अपना ये निकालेंगे कि इतने परसेंट से लेकर इतने परसेंट के छात्र जो है वो अंग्रेजी जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आकर इस तारीख को अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। तो ये अब जो अलग अलग विश्वविद्यालय है, चूंकि आप सोचिए ताबिश की 90 से ज्यादा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जी, उनका जो प्रवेश है स्नातक का वो इसी सीयूईटी की प्रवेश परीक्षा परिणाम पर टिका हुआ था। तो अब ये साफ हो गया है कि सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद में हम उन 90 विश्वविद्यालयों में प्रवेश का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है और प्रवेश अब शुरू हो जाएगा।